My name is Emmanuel. I stay in Dwarka. I am 83 year old. So basically I'm an engineer. So I come to know about this hospital and how I need badly, I was in need of the bypass surgery. So after coming, come to know about this Dr. Vikas Keshri, Vikas Kumar Keshri, and immediately I rushed to this hospital and I have consulted with him. And he has given a very good treatment, and then bypass surgery also he has done. It was very nicely done and without any much troubles to me or much efforts to me. So everything has been done perfectly, all right. So now I have been discharged, and the stitches also have been opened. So he said everything is, he found perfectly okay, dried up. मिस्टर इमैनुअल जब हमारे पास पहली बार आए तो उनको सीने में कुछ दर्द की तकलीफ थी और इनकी पहले दो बार एंजियोप्लास्टीज हो चुकी थी। जब वो 60 साल के और 70 साल की उम्र के थे उस समय उनकी दो बार एंजियोप्लास्टीज हो चुकी थी। नाउ द डॉक्टर्स इन सम अदर हॉस्पिटल डायग्नोज दैट ही अगेन हैज सम ब्लॉकेजेस इन हिज हार्ट वेसल्स। और बहुत नेचुरल होता है जब किसी को ओपन हार्ट सर्जरी की सलाह दी जाती है तो वो घबराते हैं। सो हिज क्वेश्चन वॉज ऑल्सो सेम, डॉक्टर इज इट सेफ बिकॉज आई एम 82 ईयर्स ओल्ड, so am I going to get okay after the operation or is it going to make my problem worse? So उनका जो question था वो बिल्कुल जायज़ था, बहुत ही जायज़ सा question था कि इस इतनी बड़ी उम्र में क्या operation सही होगा। So जैसे जैसे एज एडवांस होती है body के सारे functions कम होते हैं और operation में obviously risk ज़्यादा होता है। जिन लोगों को 82 years या 75 years की एज के बाद ओपन हार्ट सर्जरी की या बाईपास की जरूरत होती है उनमें स्ट्रोक की संभावना ज़्यादा होती है, लकवा मारने की संभावना ज़्यादा होती है, किडनी के फंक्शंस ख़राब होने के लिए किडनी फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट मिस्टर इमैनुअल के भी किडनी के फंक्शन थोड़े सब ऑप्टिमल थे बट उनको हमने ऑपरेशन के पहले कुछ मेडिकेशंस दे के स्टेबलाइज किया और देन हमने उनका बाईपास ऑपरेशन किया एंड ही वॉज आउट ऑफ द हॉस्पिटल इन जस्ट 4 days, 4 दिन में ही उनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई और आज आपने उनसे बात की, ऑपरेशन के 10 दिन बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आम लोगों के मन में जो ऑपरेशन को लेकर भय है, जो डर है, वो बिल्कुल ही जायज़ नहीं है। क्योंकि ऑपरेशन आई एग्री कि इट कैरीज सम रिस्क बट डिजीज़ कैरीज ए हायर रिस्क। सो ऑपरेशन में अगर हम 1-2% का खतरा बताते हैं, बीमारी में 20-25% का खतरा होता है। तो आप खुद ही सोचिए कि किस चीज़ को अपनाने से हमें ज़्यादा फायदा होगा, इलाज को या बीमारी को। तो ऑपरेशन अगर किसी बीमारी का इलाज है तो उसमें देरी करने से ऑपरेशन फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसकी रिकवरी उतनी प्रॉपर नहीं होती जितनी सही टाइम से ऑपरेशन करने पे होती है। तो मेरा सिर्फ एक ही संदेश है कि आप ऑपरेशन से ना घबराएं और सही समय पे सही ऑपरेशन करवाएं। थैंक यू। सो नाउ आई एम हैप्पी, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू डॉक्टर विकास केशरी, गुड ट्रीटमेंट एज वेल एज हिज बिहेवियर एंड आल्सो एवरीथिंग ही हैज डन वेरी परफेक्टली ओके टू मी। Thank you very much.